धोनी को ध्यान में रखते हुए माइंडसेट किया कि कौन से गाने आप लोग एकदम क्लिक करेंगे और चलने भी चाहिए, तो मेलोडी को वापस लाने की कोशिश की है हमने कुछ गाने को 90s की तरह कि वापस से मैं उस जॉनर को ला पाऊँ, मगर आज के हिसाब से तो वो मैंने कोशिश किया है, होप सो मैं उसमें कामयाब होंगी। क्या होता है जब एक बार इंसान कलाकार होता है, जब किसी और के प्रोडक्शन में काम करता है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बहुत सारी चीज़ों की, स्टोरी की, सॉन्ग्स की बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं कलाकार के ऊपर। जो चाहत मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान और एक हर कलाकार जो होता है ना, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, अगर चाहे तो बहुत कुछ निकाल सकता है बाहर अपना टैलेंट। अभी खुद का प्रोडक्शन है तो शायद आप लोगों को दिख रहा हो कि बहुत वेरिएशन, बहुत टैलेंट, जो मुझे समझ में आता, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अपना बेस्ट दे पाऊँ उसके लिए। ये पॉइंट सच में बहुत ही ट्रिकी है, बिकॉज दोनों ही पार्ट बहुत ही अपने आप में अलग हैं और बहुत ही टेंशन वाले हैं। एक्टिंग करना भी बहुत टफ है और प्रोडक्शन संभालना, प्रोड्यूसर बनके 50-60 लोगों की टीम को संभालना, सबका ख्याल रखना, क्योंकि जैसा मेरा नेचर है तो एज एन एक्टर मैं एक्टिंग भी कर रही थी, और आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं वो भी अपने लेवल पे ख्याल रख रही थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली की तरह 60 लोग मेहनत कर रहे हैं तो कोई कमी ना रह जाए, मगर दोनों काम बहुत टफ है, एक्टिंग भी टफ है और प्रोडक्शन भी टफ है। प्लानिंग हमारी चल रही है और कुछ अच्छा और कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, होप सो कि नेक्स्ट मंथ हम हिंदी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर फिर से एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए, तो आप लोग की ब्लेसिंग से सच में मेरा एक जर्नी बहुत लंबा बीता है भोजपुरी से इस तरफ, और आगे भी मैं चाहती हूँ आप लोग ब्लेसिंग बनाए रखो, तो अच्छी हिंदी फिल्में और अच्छे नए टैलेंट को भी हम चांस दे रहे हैं। मेरे गानों में ना हमने नए नए सिंगर्स, अच्छे कोरियोग्राफर्स जिनको मैंने भी कभी कमिट किया था जब मैं कभी नई थी, उनको मैंने सबसे पहला कॉल किया, तो मैं चाहूँगी कि आगे भी आप लोग की ब्लेसिंग से मैं कुछ नया हिंदी में कर पाऊँ। कुणाल जी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ ऐसे जस्ट लाइक अ फादर, मेरी हर एक अच्छी चीज़ में जब मैं कुछ लॉन्च करती हूँ या कुछ भी होता है तो उनकी ब्लेसिंग लगती है, वो फ़ोन पे बेटा सब अच्छा होगा, तुम बहुत आगे जाओगी, मगर वो जब मेरे लिए अपने अपना समय निकाल के आते हैं तो मुझे वो सबसे बड़ी चीज़ लगती है। और यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी गेस्ट मुझे ब्लेसिंग देने आए, और उन सबका मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप सब लोग का प्यार था ब्लेसिंग जो मैं यहाँ पहुँची, और आप अभी तक यहाँ पर आकर ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे फैंस को वो बेचारे बहुत परेशान है, कुछ दिनों से मैंने एक पोस्ट डाल दी थी उसके मैं गायब हो गई हूँ, तो वो परेशान है, मैडम आप हैं कहाँ, कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो। एक्चुअली मैं आप लोग के लिए ही कुछ अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ देने के लिए मैं मेहनत कर रही थी, और मुझे लग रहा था जब मैं आऊँ हेलो हाय करने भी, चाहे मैं इंस्टा पे आऊँ या फेसबुक पे आऊँ या यूट्यूब पे, तो मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ जिससे आपको लगे मैंने इतना जो गैप से मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक प्रोडक्ट को तैयार करने में। थैंक यू सो मच, आप लोग का भी बहुत बहुत, मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं, मेरे गाने हैं, आप ही लोग पहुंचाने वाले हो सब तक, तो आप लोग का बहुत अच्छा मेरे को कहते सपोर्ट आगे भी चाहिए, और इतने साल रहा भी है मेरी पूरी जर्नी में, दिस इज़ माई एक और जर्नी, और मैं चाहूँगी इसमें भी मुझे सपोर्ट करिएगा। तो आप लोग को भी दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने भी समय निकाला हमारे लिए, और बस ऐसे समय निकालते रहिएगा और हमारी बातें आगे तक पहुँचाइए, फैंस तक जो बेचारे परेशान है मैं हूँ कहाँ। थैंक यू सो मच। इससे खुशी की बात मेरी जिंदगी में और क्या होगी कि एक कलाकार के रूप में स्वीटी के साथ मैंने काम किया और मुझे लगा कि इतनी बेहतरीन अदाकारा है, और बीच में उन्होंने थोड़ा गैप दिया और फिर एक
कलाकार के रूप में नया सफर उन्होंने शुरू किया है। हिंदी म्यूजिक एल्बम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हैं। मेरा बहुत आशीर्वाद, मेरी बहुत शुभकामना है। और मैंने जब गाने का पीसेस देखा तो मुझे लगा कि कलाकार कभी मरता नहीं। अंतराल हो सकता है मगर उसके अभिनय में कहीं कोई कमी नहीं आती। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, अगर कभी भी मौका लगेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि उसके साथ दोबारा मुझे स्क्रीन शेयर करने को मिलेगा। सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि मेरी और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि हिंदी के इतने प्यारे सॉन्ग्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं। टीजर अभी आया है सामने और मैं चाहूँगी कि ऐसे बैक टू बैक वो और भी सॉन्ग्स लेके आए, हिंदी में तो कर ही रही हैं, भोजपुरी में भी लेके आए और ऐसे मूवीज़ भी बनाए। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सी डी छाबड़ा जी के साथ में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ उनका डांस भी बहुत प्यारा है और एक्सप्रेशन भी बहुत प्यारा है। या जस्ट आज पिक्चर रिलीज़ हुई है मेरी घर की मालकिन, तो वो मूवी को ऑडियंस ने मतलब काफ़ी लोग सब बिजी थे और साथ मतलब काफ़ी सारे फीडबैक आए कि घर की मालकिन मूवी बहुत अच्छी बनी है और लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। उससे पहले जस्ट एक और रिलीज़ हुई थी माँ बाप का बंटवारा, तो वो एक सब्जेक्ट था कहानी का कि जो माँ बाप के साथ में क्या बीतती है, उनके बच्चे उनके साथ में कैसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी हम लोग मूवीज़ कर रहे हैं आजकल कि ताकि हम लोग ऑडियंस को या अपने फैंस को या जितने भी लोगों को बता पाएँ कि माँ बाप भगवान का रूप होता है, उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो और ख़ास तौर से माँ बाप के साथ तो बच्चे बिल्कुल गलत ना करें। तो वो उस पिक्चर का पूरा एक कहानी है और अभी भी बहुत सारे मूवीज़ आ रहे हैं बैक टू बैक, आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेरी काफ़ी सारी पिक्चरें। और भोजपुरी के लिए एक बहुत अच्छी बात है जो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं और इसमें काफ़ी कॉर्पोरेट चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत अच्छा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। इवन पवन सिंह का भी हाल ही में एक सॉन्ग आया है, तो हमारे भोजपुरी हमारे लोग हिंदी में भी जाके चक्दे फट्टे कर रहे हैं, मस्त एकदम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जी। उनके लिए तो मेरी बहुत बड़ी शुभकामना है कि मेरा बहुत अच्छा गाना उन्होंने गाया है और वो इतनी बड़ी स्टार है और मेरा गाना गा रही है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी माता रानी से यही प्रे रहेगी कि वो हमेशा बुलंदियों को छुए और हम उनके साथ रहें जी। आज ऐसा लगा देव ठुमका जमाना हमर फैन हो जाए, आज ऐसा लगा देव ठुमका जमाना हमर फैन हो जाए। हम तो छोरी है हम कटारी है, असुनी मुखिया जी अभी हम कवारी है, और डर लागे किसी से ना हमका, और डर लागे किसी से ना हमका जमाना हमर फैन हो जाए। और मैं यही चाहूँगी कि सिटी जी के जमाना फैन होता ही रहे और आगे फैन होता ही जाए। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार एस कुमार। मैं सुटी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया। और अनुज भाई ने कंपोज किया है बरसात वाला गाना, इनको भी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा गाना इन्होंने कंपोज किया। और आप लोग भी इसको थोड़ा प्रमोशन करिए ताकि अच्छा लगे, गाना चले मार्केट में, है ना। और सुटी जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन है कि और ऐसे ऐसे नए कलाकार को, नए म्यूजिक डायरेक्टर को, सबको मौका दे और अच्छे अच्छे काम करे ताकि हम लोग को भी काम मिले और दूसरों को भी काम मिले। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, संगीतकार एवं गायक। स्वीटी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं चैनल खोलने के लिए भी और प्लस गाने के लिए। इससे पहले मैं उनका एक गाना किया था दिल से आराम बोले, मैं ही किया था और इसमें बरसात का मौसम है ये जो अभी जो चला था, तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और वीडियो भी बहुत खूबसूरत बनाया मैं देखा, काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और दर्शकों से मुझे पूरी उम्मीद है कि गाना पसंद आएगा। हाँ, जरूर सुना सकते हैं। जो मैंने गाना किया
कि बरसात का मौसम है ये सावन का महीना साजन साजन, बरसात का मौसम है ये सावन का महीना, मुश्किल हुआ साजन मेरा तेरे बिना जीना। ये कंपोजिशन वाह वाह। स्वीटी छाबरा जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है। कैसे हैं सर आप? और इन्होंने भोजपुरी में अपना बहुत बढ़िया तगड़ा झंडा लहराया था। भोजपुरी में इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। अब ये बॉलीवुड में शुरू की है, बॉलीवुड कर रही हैं। मैं इनको यही विशेष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने भोजपुरी में झंडा लहराया था, बॉलीवुड में भी ये अपना परचम लहराए। और ये नो डाउट बॉलीवुड वाले को निराश नहीं करेंगे और हिंदी फिल्म जगत को एकदम निराश नहीं होने देंगे, ये अपने एक्टिंग अपने अदाकारी से। और आप सब बॉलीवुड वाले जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप सब इनका काम देखिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सबको, आप सब इनको कांटेक्ट कीजिए और इन्हें मौका ज़रूर दीजिए। प्रेरणा देते हैं कि अच्छा उनका काम, गाना बढ़िया चले, फिल्म बढ़िया है। तो उन्होंने मेरे को मान दिया, मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका शुक्रिया गुजार करता हूँ। और मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, वेरी मच कैची एंड रिदमेटिक। और मेरे को लगता है कि मतलब कि उसमें दम है, अगर ये फिल्मों में आएगा तो एक आज लोगों को मसाला चाहिए, मस्ती चाहिए, इसी लोग बोर हो जाते हैं, नहीं तो ना मतलब कि कुछ। आप समझ रहे हो मेरी बात का? अभी आप OTT भी देखते हो, अगर OTT पे फाउल लैंग्वेज, सेक्स, न्यूडिटी ये नहीं लिखा आता, लोग ना चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो कोई भी चीज़ है, अभी साउथ का आज भी मसाला ही चल रहा है, तो बड़े अच्छे म्यूजिक है, मसालेदार है, रिदमेटिक है, कैची भी है, और उसके अंदर मेलोडी भी फील देता है आपको, आपके अंदर आपको लगता है दन, 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 दन। आप करो, और बहुत शुभकामनाएं उनको और आगे चले। अच्छा, चारों बारों में से हमने एक गाना किया है, एक गाना किया है जो झुमका गिरा है, तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट ट्राई किया उनके लिए, और उनका कमबैक भी है। हाँ। तो हमने बहुत प्लान किया इस वजह से कि कमबैक भी इस तरीके से होना चाहिए कि इट शुड लुक लाइक वेरी न्यू टू पीपल हु इज वॉचिंग फॉर हर फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन शी लॉन्च अगेन। सो वी हैव ट्राइड डिफरेंट आइडियाज ऑल्सो टू लॉन्च हर इन अ बेटर वे। Now if you see the song Jhumka Gira Re, it's quite a different, with a three different costume, three different setups also we have used, and the costumes are amazing, the sets are also amazing, and she is looking fantastic on the screen, and she have tried her level best. Yes. To give her a better look with different kind of performance. Our main thing is Neeti ji bahut cooperated hai, aur unko jo bolenge wo karte hai, और उनका यही नेचर सबसे अच्छा है। और गाना इतना ब्यूटीफुल शूट हुआ है, टच उट गाना बहुत अच्छा हिट होएगा उनका, और उनका कमबैक माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर अस फ्रॉम आवर साइड आल्सो, दैट शी विल ग्रो इन फ्यूचर, डू वेरी नाइस वर्क एंड डिफरेंट वर्क, मे बी इन अ बिगर प्रोजेक्ट आल्सो वी विल डू टुगेदर विद हर। फ्यूचर दे हैव लॉट ऑफ सॉन्ग्स टू डू, लेट्स सी how it goes. Best of luck for everyone. All Sweety ji ko very very congratulation. इन्होंने भोजपुरी में तो कमाल किया ही है, अब हमारे बॉलीवुड में भी इनका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हमारा भी प्रोडक्शन हाउस है और म्यूजिक कंपनी भी है, तो साथ में हम कुछ प्लान भी करेंगे आने वाले टाइम्स के अंदर।
और वो आपके ऊपर अनिल जी हम कितनी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि अनिल जी भी हम तो काम, हम तो मारवाड़ी जैन है, काम के लिए तो 24/7 खड़े रहते हैं। अच्छा, बोलते जो जबान दे दी वो हो गया हमारा 100%। और कायना फिल्म एक्ट्रेस एंड मॉडल है, ये हमारे पार्टनर्स भी हैं, कुछ कंपनी अभी हम लोग साथ में ओपन भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्शन मूवी कंपनी भी होगी। और ये हमारे राहुल कपूर हैं, और ये भी हमारे कंपनी के भी CEO है, तो पूरी कंपनी हैंडल कर रहे हैं। और यूथ आइकॉन भी हैं। हाँ, यूथ आइकॉन भी है हमारे। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत मुबारक हो स्वीटी, बी इन टच, हम सब साथ में मिलके काम करेंगे हमारे प्रोडक्शंस में। एंड आपको वेलकम टू हॉलीवुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल, आई कैन फील, आई कैन, थैंक यू सो मच, आई कैन फील यू आर द टॉप इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। बहुत ही अच्छे टीजर्स हैं, मैंने अभी देखे, और स्वीटी जी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, और मेरी गुड विशेस जो हैं वो स्वीटी जी के साथ हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम एंड स्वीटी जी एंड गौरव सर ऑल्सो। हाँ जी जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और गौरव सर और स्वीटी जी से बात हो गई है, और हमारी मूवी नेक्स्ट मंथ फ्लोर पर जा रही है, तो ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू वर्क विथ स्वीटी जी एंड गौरव सर ऑल्सो। जी अभी मैं कहानी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है प्रोसेस जारी है, तो अभी प्रोसेस ठीक है, प्री प्रोडक्शन फेज़ में है, और बाकी का जो भी अपडेट होगा वो आपको आगे मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे शुभकामनाएं, हमने जो गाना किए बनारस के पान, मैं उनके उसका DOP हूँ, और बहुत सारे देख के अच्छा लगा पार्टी में, मतलब मैंने पहली बार टीजर देख रहा हूँ, अच्छा लगा कि चारों गाने अच्छा शूट हुआ, और बहुत सारे बधाई है। स्वीटी छापरा के साथ में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सालों से दोस्ती है हमारी, जब वो पहली फिल्म जब की कर रही थी तो उसका DOP मैं ही था, एंड झुमका गिरर है, तो हसीना जी के साथ में जब हमने झुमका गिरर जब उन्होंने बोली कि आपको करना है, तो हमें बहुत मज़ा आया। एंड स्वीटी आज भी उसी तरीके से डांस है, एंड आप देख सकते हो गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज, इनकी मदद मिली हमें, एंड प्लस स्वीटी छापरा की, तो स्वीटी ने तो माइंड ब्लोइंग है, एंड ऑल द बेस्ट टू स्वीटी।